शादी में पहुंचे रीत और राघव। बैंड बाजा बारात, झूम कर नाचे आयुषी और भरत। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले के रीत और राघव पहुंच गए हैं एक शादी में सज धज कर। देखिए उनकी एक्साइटमेंट तो आज देखने लायक है भाई। असल में ये तो पहुंचे अपने शो के प्रमोशंस के लिए, साथ ही साथ इन सबको देने के लिए अपनी शादी का कार्ड, क्योंकि रीत और राघव की होने वाली है टीवी की सबसे अनोखी वाली शादी। इस शादी में आकर देखिए कितने एक्साइटेड हैं ये दोनों। आयुषी खुराना, हाय, दिस इज भरत अलावत। और आज हम सास बहू और बेटिया के साथ आए हैं किसी की शादी में, हमारी शादी के इनविटेशन देने के लिए। आप कुछ कहना चाहते? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और अभी काफ़ी ट्रैफिक था, अभी फाइनली पहुंच गए हैं, अभी बाकी चीज़ें आप हाँ भाई, रीत और राघव का बड़ा ही ग्रैंड वेलकम हुआ। स्टेज पर इन्होंने स्पीच दी, साथ ही साथ अपनी शादी का कार्ड भी दिया, अपने सीरियल के बारे में भी बताया। भाई ये प्रमोशन करने का है एकदम अनोखा तरीका, बिल्कुल होने वाली राघव और रीत की अनोखी शादी की तरह। प्यारे लग रहे हैं यार, बहुत चमक रहे हैं, मेड फॉर ईच अदर वाली जोड़ी थी उनकी, बहुत अच्छा लगा ऑडियंस के सामने। नहीं अच्छा था, अपना शो प्रमोट किया, बताया लोगों को आटा साटा प्रथा के बारे में, और किसी की शादी में भी आ गए और अच्छा है, खुशी का माहौल। शादी में आई हूँ मैं तो, बी ऑनेस्ट आई लव फूड जोड़ी को देखने में। और ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं दुल्हा दुल्हन रेडी होते हैं यार इतनी मेहनत करके, तो फिर उनको देखने का तो वो अप्रिशिएट करने का ना। और आई होप वो आए, वो लोग आए। हमने कृष्णा और जिनेश को अपनी शादी में भी इनवाइट किया है, आप सबको हम इनवाइट कर रहे हैं 9 दिसंबर को रात 9:30 बजे जी टीवी पर हमारी शादी टेलीकास्ट होगी। जाने अनजाने हम मिले, जरूर देखिएगा और प्लीज आइएगा शादियों में जाना। मुझे तैयार होना बहुत पसंद है, तो मैं मतलब ऐसे किसी भी पापा के फ्रेंड की शादी, फ्रेंड की बेटी की शादी होती थी तो मैं उनको पहले ही बोल देती थी कि आप सिर्फ मुझे लेके जाओगे, और वहाँ जाके मेरा मेन फोकस होता था कि क्या क्या खाना है, तो आज भी मेरा वही फोकस है। हर कल्चर की अलग अलग शादी होती है, अलग अलग खाना होता है। जैसे अब आज हम जिनकी शादी में आए हैं वो लोग गुजराती है, और मैं कभी किसी गुजराती की शादी में नहीं गई टू बी वेरी ऑनेस्ट, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि क्या होगा खाने में। और वैसे भी मुझे ये सब बहुत पसंद है, ढोकला खाने में ये सब, तो आई एम एक्साइटेड। रसमलाई पता नहीं इधर है या नहीं है, बट हाँ इनका अपना स्पेशल कुछ डिजर्ट होगा, वो भी ट्राई करेंगे, सब एक्सप्लोर करना चाहिए। आज करेंगे श्रीखंड ना, बहुत खाते लोग। अनोखी, सबसे अनोखी शादी है और आपको बहुत मज़ा आएगा, तो ज़रूर आइएगा। इसलिए हम बार बार इनवाइट भेज रहे हैं, हम सिद्धिविनायक भी गए थे अपना शादी का कार्ड देने, हम यहाँ भी आए हैं सबको बुलाने, तो हम आपको भी इन्वाइट कर रहे हैं कि साल की सबसे अनोखी शादी में ज़रूर आइए। कब आना है? 9th को 9:30 जी टी वी पे। और इस शादी में प्यार नहीं है, ये एक सौदा है, उसके बाद इसमें प्यार होगा या नहीं ये जानने के लिए देखते रहिए जाने अनजाने हम।
भाई शादी में शामिल तो हो गए, लेकिन अब बारी है शादी का यमी यमी खाना चखने की। तो भाई ये सीधा पहुँचे हैं खाने के काउंटर पर पेट पूजा करने के लिए। भाई ये वाली शादी तो रीत और राघव ने अटेंड कर ली, अब बारी है दर्शकों की रीत और राघव की अनोखी शादी में शामिल होने की। तो आप सब हो जाइए तैयार। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो देते ही हैं आपको मुस्कुराने के अनेक कारण, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।